इस घटने का नेचर दूसरा है। ये पटने की घटना शुद्ध रूप से निग्लिजेंसी का मामला है। उन लोग मरीज के शक्ल में थे, बीमार थे कई दिन से, उन लोगों का उचित देखभाल नहीं किया गया। दवा दारू की व्यवस्था सरकारी स्तर से की जाती है, लेकिन दवाएं उनको नहीं मिली, इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, इसके चलते उसकी मौत हुई। और मौत के बाद भी इसके इसको जितना जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहिए था, इस समय भी उपेक्षा हो गई। तो पूरे घटना की जांच चल रही है, उसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, जिनकी उपेक्षा से ये मौत हुई है, उस पर न्याय संगत कार्रवाई होगी। तो पटना की घटना से जोड़ करके एक फ़ोटो वायरल करने की बात है, इसके बारे में मैंने पुलिस वालों को बता दिया है डिटेल कि वो एक शमायल अहमद साहब डायरेक्टर हैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के, उसका एनुअल फंक्शन चाणक्य होटल में था। उसके दो फंक्शन इस मेमोरियल हॉल में भी हो चुका है, और जिसमें शिक्षा मंत्री के रूप में हमें आमंत्रित किया गया था, बहुत पहले की घटना है। तो उसमें आम तौर से लोग, टीचर्स लोग जितने होते हैं, चाहे और एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो तो मुख्य अतिथि को बुके देकर स्वागत करते हैं। अब उस बुके देने वाले में पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। महिला कौन सी महिला क्या है, इसके बारे में हम लोगों को क्या पता है? कोई अगर बुके दे रहा है तो हम लोग उसको साथ स्वीकार कर लेते हैं। इतनी ही से बात है और कोई बात नहीं।